राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तो बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदा नंदन जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 32। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णं उपालभ्य हितेशिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत कस्मान् मृदं मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रह वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते अग्रजोऽप्ययम् नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम् यद्देवं त्रहि व्यादेहि युक्तः स भगवान् हरि व्यादत्ता व्याहतेश्वर्य क्रीडामनुजबालक सा तत्रे ददृशे विश्वं जगत्थास्नुचखं दिश सद्रीदिपाद्दिभूगोलं सवाव्यग्नीन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नवस्वान्वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रागुणास्त्रय बोलिए। एकदा क्रीडमानास्ते राय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। जब कोई भक्त अन्य किसी भक्त के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान तुरंत उस प्रार्थना को सुन लेते हैं। हम हमारे लिए भगवान से कुछ मांगेंगे तो कृष्ण देंगे या नहीं देंगे इनमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम दूसरे के लिए मांगते हैं तो कृष्ण तुरंत दे देते हैं। इसलिए भक्तों को आपस में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करती रहनी चाहिए। आप सबका स्वागत करते हैं सप्तम दिवस के प्रथम सत्र में। परम सौभाग्य है हम सब लगातार 6 दिनों से कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में यही है जीवन। पुष्पांजलि ने बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किया, समस्त वेद वेदांत शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत का सार है दसम स्कंद। दसम स्कंद का सार है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का सार है गोपी गीत, और 19 श्लोक के उस गोपी गीत का सार है तव कथामृतम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण हम तो कब की मर गई होती, क्योंकि आपके बिना हमारे प्राण टिक नहीं सकते हैं। कृष्ण गोपियों के लिए प्राण स्वरूप थे, और रासलीला के प्रसंग में जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए समस्त गोपियां दुखी हो गई, और मानो कृष्ण पूछे मेरे विरह में अब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकले। तब उस समय गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हम तो कब की मर गई होती, लेकिन आपके विरह में आपकी कथा हमें जिला रही है। आप नहीं हो लेकिन आपकी कथा के माध्यम से हे कृष्ण आपकी उपस्थिति का अनुभव होता है। इसलिए आपकी कथा ही हमको जीवन देने वाली है। तव कथा मृतम तप्त जीवनम। तपाए हुए संदग्ध जीवों को दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाली ये कृष्ण कथा। कृष्ण कथा को छोड़कर बाकी सब व्यथा है। और इतना ही नहीं, कवि विरीडितम कल्मशापहम। कृष्ण की कथा सुनने से हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के क्लेश से सभी प्रकार के दोष से मुक्त हो जाते हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि यह कथा बड़े बड़े मुनियों के द्वारा गाई गई है। इतना ही नहीं, कृष्ण आपकी कथा श्रीमदात्तम। जो व्यक्ति संसार में आपकी कथा का श्रवण करता है वह श्री को प्राप्त होता है, वह लक्ष्मी को प्राप्त होता है, वह यश को प्राप्त होता है, वह कीर्ति को प्राप्त होता है।
वास्तव में कृष्ण कथा सुनने वाले की कीर्ति त्रिभुवन में अमर हो जाती है। समस्त युग में भगवत कथा सुनने वाला भक्त कभी मरता नहीं है। हाँ, आंखों से दिखता है कि उनका देह गिर चुका है, लेकिन भक्तों की कीर्ति सदैव अमर रहती है। भक्त का नाश हो जाता है, परंतु भक्त की कीर्ति का कभी नाश नहीं होता है। अब देखिए, प्रहलाद महाराज इस संसार से चले गए, कितने युग बीत गए, लेकिन आज भी लोग प्रहलाद महाराज को याद करते हैं, उनकी कीर्ति त्रिभुवन में अमर है। और इस कलयुग का दृष्टांत दूं तो आप सोचिए, गुजरात में, जूनागढ़ में अनेक राजा आए और अनेक राजाओं ने राज्य किया, राज कारोबार संभाला, और अनेक राजा राज करके चले गए, लेकिन आज यदि पूछा जाए कि जूनागढ़ किसका है, तो एक ही उत्तर आएगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़। मारवाड़ में अनेक राणा आए और अनेक राणा राज करके चले गए, पूछा जाए मारवाड़ किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीराबाई का मारवाड़। पोरबंदर में अनेक राजा आए आकर चले गए, लेकिन आज भी यदि पूछा जाए पोरबंदर किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, सुदामा का पोरबंदर। ये सब भक्त चले गए, भक्त के देह रूपी दीवारें गिर गई, परंतु भक्त की कीर्ति का कभी नाश नहीं होता। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, तब राय रामानंद उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसकी कीर्ति सदा के लिए अमर नहीं रहती है। आधा जीवन तो डॉक्टरी सीखने में चला जाता है, और कुछ साल तक डॉक्टरी करता है, मर जाने के बाद कौन पूछता है। कितना भी बड़ा वकील हो, पढ़ लिख कर वकील बन गया हो, परंतु वह वकील कब तक रहेगा। कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो, लेकिन वह धन कब तक रहेगा। इस संसार में न तो डॉक्टरों की कीर्ति है, न वकील की, न धनी की, इस संसार में एकमात्र भक्त की कीर्ति अमर हो जाती है। गले में तुलसी की कंठी हो, भाल में चंदन का तिलक हो, कानों में भगवान की कथा हो और मुख में कृष्ण का नाम हो, ऐसे भक्त इस दुनिया में कहलाना, और भक्त बन के यदि कोई चला भी जाता है, परंतु उनकी कीर्ति का नाश नहीं होता है, सदा के लिए अमर हो जाता है। श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमदाततम सौभाग्य प्रदान करती है, धन प्रदान करती है। तो ऐसी सौभाग्यवान कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, परम सौभाग्य, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रस से मंडित कृष्ण की बाल लीला का श्रवण हम सब कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी इत्यादि सखाओं के साथ खेल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा क्रीडमानस्ते राम आदि गोप दारका, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। कृष्ण ने माटी खाई, तो आचार्य ने बहुत सुंदर अपने मत दिए हैं, कृष्ण ने माटी क्यों खाई। मैंने कल कुछ कृष्ण के माटी खाने के कारण बताए थे, आइए उसको आगे बढ़ाते हैं।
कृष्ण ने सोचा कि इस त्रिभुवन में रहने वाले मेरे सारे भक्त वृंदावन में जाने की इच्छा करते हैं, लेकिन मैंने मेरे सभी भक्तों को कुछ ना कुछ सेवाओं में लगाया है। कृष्ण ने इंद्र को वर्षा करने की सेवा में लगाया है, कुबेर को धन की सेवा में, वरुण को समुद्र की सेवा में, वायु को पवन बहनाने की सेवा में, लेकिन ये सारे भक्त वृंदावन में जाने की आशा करते हैं, वृंदावन के रज को ग्रहण करने की आशा करते हैं। भगवान ने सोचा यदि ये सारे भक्त वृंदावन में आ गए रज खाने के लिए तो सृष्टि का चक्र बंद हो जाएगा, इसलिए अनेक अनेक काल से भगवान के जितने भी जन थे, जितने भक्त थे, ये सब की आकांक्षा थी हम वृंदावन की रज खाए। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की उस मिट्टी को खाए, वो अकेले नहीं खाए, अपने अंदर रहने वाले सभी देवता सभी भक्तों को खिलाए। अपने भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई। हरीश्वरी जी और एक कारण देते हैं, कृष्ण ने माटी क्यों खाई, ब्रजरज क्यों खाई? कृष्ण ने रज खाई थी। हरीश्वरी जी शब्दों का सहारा लेकर कहते हैं, कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं और कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है। रजोगुण से नया कार्य शुरू कर सकते हैं, बाकी जिनमें सत्व गुण है वह नया कार्य नहीं कर सकता है, वह शांति से बैठा रहता है। मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं, रजोगुण की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि अभी से ही रजोगुण का स्टॉक कर लो, रजोगुण माने रज का, अभी से ही रज का, इसे वृंदावन की रज का स्टॉक कर लूं ताकि आगे चलकर रजोगुणी कार्य कर पाऊं। मानो इसलिए कृष्ण ने वृंदावन की रज को ग्रहण किया। बहुत सुंदर भाव। कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई? पृथ्वी का एक नाम है रसा, कितना रसातल, पृथ्वी का एक नाम है रसा, और कृष्ण ने सोचा मैं रसराज हूं, मैं सभी रसों का भोगता हूं। कृष्ण सोचते हैं आज तक मेरे भक्तों ने मुझे सभी रस खिलाए, मुझे पूरी खिलाई, सब्जी खिलाई, लड्डू खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए, दही खिलाया, छाछ मक्खन, मेरे भक्तों ने आज तक सभी रस मुझे खिलाए, लेकिन ये जितने भी रस जहां से निकलते हैं अर्थात पृथ्वी से सारे रस निकलते हैं, बोले उस रस के स्रोत को कभी नहीं खिलाया। बोले आज मैं सभी रसों का जो स्रोत है ऐसी रसा को खाऊंगा और देखूंगा कि ये रसों की जननी कैसी है। मानो यह सोचकर कृष्ण ने यह सोचा कि इस पृथ्वी के रस में, पूरी सब्जी खीर में इतना आनंद आता है, तो ये जहां से निकलता है उनमें कितना आनंद होगा। तो मिट्टी खाने में बहुत आनंद मिलेगा, यह सोचकर कृष्ण ने उस ब्रज रस को खाया। हरीश्वर जी और एक भाव देते हैं, कृष्ण ने ब्रज रस क्यों खाई? कहते हैं पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, पृथ्वी को क्षमा भी कहा जाता है। कृष्ण ने सोचा आगे चलकर बहुत सारे अपराधी और पाखंडी मेरे जीवन में आएंगे, बहुत सारे असुर मेरे जीवन में आएंगे, और यदि मुझ में क्षमा करने का गुण नहीं है तो बेचारे सारे मारे जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, अपराध करेंगे, दुष्टता करेंगे, और यदि क्षमा करने का गुण नहीं
तो सब मारे जाएंगे, इसलिए अभी से ही क्षमा करने का गुण अंदर ग्रहण कर लूं। यह सोचकर कृष्ण ने क्षमा को अर्थात पृथ्वी को खाने लगे। बहुत सुंदर भाव देते हैं। कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई और एक कारण बताते हैं। कृष्ण ने सोचा कि कुछ ही देर में मुझे मुख में सृष्टि बताना है। कुछ लोगों के बाद कृष्ण अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। बोले कुछ ही देर के बाद मुझे मुख में सृष्टि का सर्जन करना है और मैं तो शुद्ध सत्वगुण में स्थित हूं और सृष्टि का सर्जन करने के लिए रजोगुण चाहिए, सृष्टि को चलाने के लिए सत्वगुण चाहिए और सृष्टि का प्रलय करने के लिए तमोगुण चाहिए। तो यहां प्रलय नहीं करना था, तमोगुण की आवश्यकता नहीं थी, यहां सृष्टि को चलाना भी नहीं था, सत्वगुण की भी आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण को अपने मुख में सृष्टि का सर्जन करना था, सृष्टि का सर्जन करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ती। कुछ देर के बाद मुझे मेरे मुख में सृष्टि करनी है, रजोगुण की आवश्यकता है, तो चलो पहले से ही रज को अपने मुख में ग्रहण कर लूं ताकि कुछ देर के बाद मां को मुंह में ब्रह्मांड दिखा सकूं। यह सोचकर कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं और एक कारण बताते हैं। कृष्ण ने सोचा जो भक्त, जो व्यक्ति मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वह व्यक्ति तो महान है ही। भगवान को जो अपना सब कुछ दे देता है वह व्यक्ति बहुत महान है, क्योंकि सनातन धर्म का वर्णन भागवत के एकादश स्कंद में जहां नव योगेश्वर ने किया, निमि महाराज का प्रश्न था सनातन धर्म किसे कहते हैं। बोले सबके लिए एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म, और सनातन धर्म का व्याख्या करते हुए कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्या मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलं परस्मे नारायणेति समर्पयेतत। जो व्यक्ति अपनी काया से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से जो भी करता है, करोति यत यत सकलम, जो भी कार्य करता है यदि मुझे अर्पण कर दे तो वह सबसे बड़ा सनातन धर्मी माना जाता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं। तो जो व्यक्ति अपना सर्वस्व कृष्ण को दे देते हैं उसे तो भगवान प्रेम करते ही हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि इस ब्रज के लोग मुझे अपना तन मन धन सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे भक्त को मैं बहुत प्रेम करता हूं और ऐसे भक्त महान है ही, परंतु ऐसे भक्तों के चरणों की रज तो उससे भी महान है। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करने वाले भक्तों के चरण की रज बहुत महान मानी जाती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के चरणों की रज को अपने मुख में रख रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने माटी खाई। कृष्ण भी भक्तों के प्रभाव को, भक्त की महिमा को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भक्त पद जल आर, भक्त पद रज, भक्त मुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्तों के चरण की रज, भक्तों के चरण का जल और भक्त के मुख का उच्चिष्ट, ये तीन में से एक चीज भी यदि हमें मिल जाए तो भक्ति में बहुत बड़ा बल मिलता है, हमारी भक्ति बहुत कम समय में आगे बढ़ सकती है। यदि भक्तों के चरण का जल रज या उनका उच्चिष्ट मिल जाए तो भगवान कृष्ण आचरण करके दिखा रहे हैं कि मेरे भक्तों के चरणों की रज बहुत महान है, इसलिए मैं उसे खाऊंगा। खा ली। आगे और एक कारण बताते हैं। संस्कृत में द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण और द्विज का अर्थ दांत भी होता है।
तो इस शब्द की रचना के ऊपर भगवान सोचते हैं कि आगे चलकर मुझे कंस आदि असुरों को मारना पड़ेगा और मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा नहीं, तो कभी कभी किसी असुरों को मारने के लिए मुझे दांत की आवश्यकता पड़ेगी। दांत से उसका हाथ दबा दूंगा, पांव दबा दूंगा, लेकिन मेरे दांत जो है, दांत को संस्कृत में द्विज भी कहते हैं और द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, और ब्राह्मण जो होते हैं बहुत शांत होते हैं, सत्वगुणी। बोले मेरे दांत जो है बहुत शांत हैं, सत्वगुणी है, और आगे चल के मुझे कंस जैसे असुरों के हाथ पांव को काटना होगा इस दांत से। तो दांत यदि सत्वगुणी है तो चलेगा नहीं, दांत को रजोगुणी बनाना होगा। तो कंस इत्यादि असुरों को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने दांत को रजोगुणी बनाना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रज को अपने मुख में रख लिया, मानो दांत को रजोगुण प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार आचार्यगण बहुत बहुत अपना मन भगवान की लीला में लगाते हुए कृष्ण ने माटी क्यों खाई इसका वर्णन करते हैं। और एक भाव हरीश्वरी जी देते हैं, कृष्ण ने सोचा कि जब मैं पहले परशुराम अवतार लेकर आया तो क्षत्रियों से सारा राज्य लेकर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया, जब फिर से क्षत्रियों का साम्राज्य बढ़ा तो फिर से मैंने सभी क्षत्रियों का विनाश किया और सारा राज्य ब्राह्मणों को दे दिया। ऐसे बार बार करते करते 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया और 21 बार मैंने संसार का राज्य ब्राह्मणों को प्रदान किया। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैंने पूर्व अवतारों में ब्राह्मणों को बहुत दान किया, इसलिए बेचारे ब्राह्मण अब आशा लगाकर बैठे होंगे कि अब तो कृष्ण स्वयं आए हैं, अब तो ये कृष्ण हमें बहुत दान देंगे। तो ये ब्राह्मण लोग आशा लगाकर बैठे हैं कि कृष्ण हमें बहुत दान देंगे। तो कहते हैं ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है और द्विज का दूसरा अर्थ दांत भी होता है। कृष्ण ने अपने दांत में रज को रखकर, माटी को रखकर, मानो ये साबित किया कि मैंने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दे दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। हरीश्वर जी और एक भाव बताते हैं, कृष्ण ने सोचा कि मैं गाय के दूध से बने हुए बहुत व्यंजन को खाता हूं, मलाई खाता हूं, मक्खन खाता हूं, रस मलाई खाता हूं, केसर वाला दूध पीता हूं, मैं गाय के दूध से बने हुए मिठाइयों को, बहुत सारे व्यंजनों को खाता हूं, लेकिन यदि मैं माटी नहीं खाऊंगा तो लोग मुझे विषम कहेंगे, कहेंगे ये कृष्ण तो अच्छी अच्छी वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, बुरी वस्तु को नहीं ग्रहण करते हैं। तो बोले कृष्ण अपने आप को सम प्रस्तुत करने के लिए, मैं सम हूं, मैं सबके प्रति सम हूं, कृष्ण ये बताना चाहते थे, इसलिए मैं दूध दही माखन और मिठाई भी खाता हूं और इसके साथ साथ मिट्टी भी खाता हूं। मिट्टी खाकर कृष्ण ने साबित किया समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूं। और अंत में हरीश्वरी जी अंतिम भाव बताते हैं, कृष्ण ने सोचा कि ये पृथ्वी का एक नाम धरा है और मेरी माँ यशोदा का एक नाम भी धरा है, पृथ्वी का एक नाम भी धरा है और मेरी माँ का एक नाम भी धरा है। मैंने यशोदा को तो बहुत आनंद दिया, यशोदा को बहुत सुख दिया, लेकिन पृथ्वी को सुख नहीं दिया। तो मानो भगवान श्री कृष्ण माटी खाकर अब पृथ्वी रूपी धरा को सुखी करना चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई। जो भी हो, कृष्ण ने माटी खाई इसमें कोई दो राय नहीं है, यह सत्य है, कृष्ण ने माटी खाई थी।
और कृष्ण ने कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने माटी खाई और माटी खाई यह देखकर बलदेव इत्यादि सब सखा यशोदा के पास गए और यशोदा को शिकायत करने लगे। देखो यहां पर शिकायत का प्रसंग है। हमारे जीवन में हम लोग भी कभी कभी शिकायत करते हैं, तो यहां से बहुत बड़ा उपदेश प्राप्त होने जा रहा है। बलदेव जी और अन्य सखा कृष्ण की शिकायत यशोदा को कर रहे थे। क्यों? इस शिकायत के पीछे कारण क्या था? कारण ये समस्त सखा कृष्ण का भला चाहते थे कि आगे चलकर कृष्ण के पेट में रोग न हो जाए, कृष्ण को तकलीफ न हो जाए। शिकायत करने के पीछे प्रथम कारण वे कृष्ण का भला चाहते थे। इस संसार में हम भी कभी कभी किसी की शिकायत करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो हमें यहां से उपदेश लेना चाहिए कि हम भी जीवन में जब किसी की शिकायत करें तो उसके पीछे, शिकायत करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। शिकायत करने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ये भक्त सुधर जाए, ये भक्त के जीवन में जो गड़बड़ तकलीफ हो रही है सुधर जाए। लेकिन हम शिकायत करते हैं क्यों? ईर्ष्या के कारण, कि ये भक्त बिगड़ जाए, इसका जो अपयश है पूरी दुनिया में फैल जाए। किसी का अपयश फैलाने के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी को सुधारने के लिए शिकायत करनी चाहिए, ये प्रथम कारण। और दूसरा, यहां से बहुत बड़ी चीज, श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि ये सभी सखाओं ने शिकायत अन्य किसी को न करते हुए सीधे यशोदा को शिकायत की, क्योंकि मात्रा शिक्षयणी इति, क्योंकि माँ जो है एक गुरु के समान है। इस संसार में कभी कभी भक्तों के बीच में एक भक्त दूसरे भक्तों में दोष देखता है। मैं अपनी बात करता हूं, कभी कभी एक भक्त दूसरे भक्तों में दोष देखता है। सबसे पहले तो दूसरे भक्तों में दोष देखना ही नहीं चाहिए। यदि किसी भक्त में दोष दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए ये हम में दोष है, हम में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए हमको दूसरों में दोष दिखाई दे रहा है, हम में कुछ ना कुछ कमी है। यदि हम में कमी ना होती तो हमको दोष ना दिखाई देता। मैं आपको अभी दो दिन पहले का एक दृष्टांत दूं। मेरे मोबाइल में एक रिंगटोन है, जब से मैंने मोबाइल लिया तब से वो रिंगटोन कंपनी से आई है तो बजती है, और उसी रिंगटोन से मैं सुबह जगता हूँ और फोन रिसीव करता हूँ। तो दो दिन पहले ये माधव और बिट्टू हमारी रूम में आए टिफिन देने के लिए, और मोबाइल की रिंगटोन बजी। तो रिंगटोन बजी तो ये बाहर खड़े खड़े फिल्म का गाना गाने लगे, और ये अपने मन में सोचने लगे प्रभु जी भी फिल्म की रिंगटोन रखते हैं, बच्चे हैं ये, उनका दोष नहीं, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं। ये बाहर खड़े खड़े सोचने के प्रभु जी भी फिल्म का रिंगटोन, तो उन्होंने प्रभु जी में दोष देखा, ठीक है ना, उन्होंने प्रभु जी में दोष देखा। द रिंगटोन ये तो पहली बार सुने, मैं तो हजार बार सुन चुका था, परंतु मुझे वह फिल्म का गाना पता नहीं था कौन सा फिल्म का गाना है और किस गाने के ऊपर यह है, क्योंकि मैंने वह गाना कभी नहीं सुना था, इसलिए मुझे उस रिंगटोन में कभी दोष नहीं दिखा। लेकिन इन लोगों ने फिल्म का गाना कई बार सुना था इसलिए रिंगटोन में दोष दिखा। आप बात समझ में आ रही है? मुझे उस रिंगटोन में दोष नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी गलती नहीं की थी, मैंने कभी वो फिल्म का गाना नहीं सुना, और इन लोगों को दोष दिखा। इसका कारण यह है कि इन्होंने पिक्चर देखा है, उस फिल्म का गाना सुना है।
ठीक उसी प्रकार हम में यदि किसी में दोष दिखता है, इसका अर्थ है कि हम में कुछ ना कुछ दोष है। और जिस व्यक्ति को दोष नहीं दिखता है, किसी में दोष है फिर भी दोष नहीं दिखता है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति में दोष नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमें यदि किसी में दोष दिखे तो सबसे पहले यह समझना चाहिए वह दोष कहीं ना कहीं हम में है। लेकिन फिर भी, और शास्त्र का एक सिद्धांत है, दोष देखने का अधिकार एकमात्र गुरु को है। यह हमने किसी का ठेका लेकर नहीं रखा है कि इसमें यह दोष है, इसमें यह दोष है, इसमें यह दोष है, इसमें यह दोष है। दोष देखने का अधिकार एकमात्र गुरु को है अपने शिष्य को सुधारने के लिए। इतना उपदेश सुनने के बाद भी यदि हमको किसी में दोष दिखता है, इतना कुछ होने के बाद भी यदि हमको किसी में दोष दिखता है, तो मान लो किसी व्यक्ति में दोष दिखा तो सीधे उस पहले उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जैसे ये सब सखा कृष्ण के पास गए, कृष्ण में दोष दिखा तो सब सखा पहले किसके पास गए? कृष्ण के पास। कृष्ण तो ये गलत काम कर रहा है, ये मिट्टी खाना गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमारे जीवन में भी यदि किसी में हमें दोष दिखता है तो सीधे उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए कि भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप में ये दोष है, तो जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग उस व्यक्ति के पास जाने के बदले दूसरे हजारों लोगों के पास जाते हैं। तुझे पता है वो प्रभु जी ऐसा करते हैं, तुझे पता है वो प्रभु जी ऐसा करते हैं, तुझे पता है वो प्रभु जी ऐसा करते हैं। पूरी दुनिया को बताएंगे लेकिन जो ऐसा करता है उसको नहीं बताएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके अंदर अज्ञान है या आपके अंदर उस प्रभु जी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है। तो यहां शास्त्र भगवान की लीला से कितना सुंदर सिद्धांत प्रकट होता है। कृष्ण में दोष दिखा तो सर्वप्रथम गोप ग्वाल कृष्ण के पास गए। हमें यदि हमारी भक्ति को बचाकर रखनी है, हालांकि कृष्ण की शुद्ध कथा में ये सारी बातें कुछ जैसे चंद्रमा में दाग खटकती हैं, लेकिन क्योंकि हम साधक भक्त हैं, गुरु कृष्ण की कृपा से हमको कुछ भक्ति प्राप्त हुई है, कुछ हृदय में भाव प्राप्त हुआ है, लेकिन यदि वैष्णव का अपराध कर देंगे तो सारा भाव और भक्ति चला जाएगा। इसलिए साथ ही साथ ये चीज भी ध्यान में रखनी है, कभी भी किसी वैष्णव का अपराध ना हो। तो सीधे उस जिस भक्त में दोष दिखता है उनको कहिए, और यदि आपकी बात वह भक्त न माने, मान लो आपने उस भक्तों को कह दिया कि आप में ये दोष है, गलती सुधार लो, और फिर भी वह न माने और आपके हृदय में और करुणा है, उस भक्त के प्रति हमदर्दी है, लगाव है, करुणा है कि ये भक्त को सुधरना चाहिए, तो आपके हृदय में और करुणा है तो उस भक्त के गुरु के पास जाइए। वो भक्त का जो गुरु है उनके पास जाइए और उनको कहिए कि प्रभु जी आपके अंडर में जो भक्त हैं, आपका जो शिष्य है, ये गलती कर रहा है। बस केवल दो व्यक्ति को बताइए, पहले उस व्यक्ति को जिसने गलती की है, यदि वह न माने तो गुरु को बताइए। और गुरु को भी बताते समय हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए कि बेचारा वह भक्त गलती कर बैठता है, आप उनको उपदेश दीजिए। करुणा से गुरु के पास जाना चाहिए, तब जाकर उस भक्त की भी भक्ति बढ़ेगी और आपकी भी भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो ईर्ष्या करने वाले का तो पतन होता है, ईर्ष्या निंदा सुनने वाले का भी उतना ही पतन होता है। इसलिए कभी भी किसी में दोष देखते समय इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर सभी गोप सखा पहले कृष्ण को समझाए, कृष्ण नहीं माने तो अब कृष्ण के गुरु, गुरु के समान कृष्ण की मैया यशोदा के पास गए, और बहुत सुंदर शिकायत है। कैसी शिकायत है? तेरे लाला ने माटी खाई,
यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटे खाए यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटे खाए यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटे खाए यशोदा सुन माई यशोदा मैया आपके लाला ने माटी खाई है। अद्भुत खेल सकन संग खेलो 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 छोटो सो माटी को ढेलो 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 तुरंत शाम ने मुख में मेलो तुरंत शाम ने मुख में मेलो सखाओ के साथ खेलते खेलते एक माटी का डेरा कृष्ण ने अपने मुख में रखा तुरंत शाम ने मुख में मेलो तुरंत शाम ने मुख में मेलो तुरंत शाम ने मुख में मेलो तुरंत शाम ने मुख में याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुनना याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने दही को कब हुन नाटी तो दही को कब हुन नाटी ओ लाला तूने खाई माटी ओ लाला तूने खाई माटी दूध दही को कब हुन नाटी दूध दही यशोदा समझावेल साथी यशोदा समझावेल साथी याके नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई याके नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई सन्मुख उंगली मेली मुख के सन्मुख उंगली मेली मुख के सन्मुख उंगली मेली मुख के सन्मुख उंगली मेली निकल पड़ी माटी की ढेली 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 वीर भई सखियन 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 की ढेली वीर
को मुखड़ो फरमायो, मोहन को मुखड़ो फरमायो, मोहन को मुखड़ो फरमायो, मोहन को मुखड़ो फरमायो, तीन लोक बामे दर्शायो, तीन लोक बामे दर्शायो, तीन लोक बामे विश्वास यशो दहि आयो, तब विश्वास यशो दहि आयो, तब विश्वास यशो दहि आयो, तब विश्वास यशो दहि आयो, ज्ञान पूरण ब्रह्म कन भाई अशोक दास न भाई, ज्ञान पूरण ये तो पूर्ण ब्रह्म है, तो साक्षात भगवान पूरण ब्रह्म तन भाई यशोदा सुन नाई, ये तो पूरण ब्रह्म तन भाई यशोदा सुन नाई, सुर लाला ने माटी खाई यशोदा सुन नाई, मेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन नाई, जब भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई यशोदा ने कहा तुमने माटी क्यों खाई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो रस माटी में है वो माखन मेवा और मिश्री में नहीं है, माखन मेवा और मिश्री में वो रस नहीं जो माटी में है, क्यों, क्योंकि माटी में मेरे भक्त के चरणों की रज लगी हुई है इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसो रस है नहीं माखन में, 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 नहीं मिश्री में वादा खन में, नहीं मिश्री में वादा खन में, नहीं मिश्री में वादा खन में, जो रस है ब्रिज रज चाखन में, जो रस है ब्रिज रज चाखन में, जो रस है ब्रिज रज चाखन में, जो रस है ब्रिज रज चाखन, ज्ञान मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन नाई, ज्ञान मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन नाई, साक्षात मुक्ति भी मुक्त होने के लिए ब्रज में आती है और ब्रज रज में लौटती है, ज्ञान मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन नाई, ज्ञान मुक्ति की मुक्ति कराई, रज को सुर नर मुनि तरसे, या रज को सुर नर मुनि तरसे, या रज को सुर नर मुनि तरसे, या रज को सुर नर मुनि तरसे, बड़भागी जन नित नित 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 तरसे, जाके लगन लगी अरे हरि से, जाके लगन लगी रहे हरि से, जाके लगन लगी रहे हरि से, जाके लगन लगी रहे हरि से, जही खासी राम भगत गाए यशोदा सुन नाई, यही भासी राम भगत गाए यशोदा सुन नाई, यही भासी राम भगत गाए यशोदा।
संसार में कृष्ण के सभी सखा गोप बलदेव यशोदा के पास आए और यशोदा को शिकायत किए, मैया तेरे लाला ने कृष्ण ने माटी खाई है। मैया कृष्ण ने माटी खाई है। तब यशोदा मैया, श्रीपद वल्लभाचार्य कहते हैं, तेह तेन देहापकारम ज्ञात्वा दोष निवृत्य यत्नम कृतशयत्याह सा गृह इति। कृष्ण ने माटी खाई है और कृष्ण का पेट बिगड़ जाएगा, कृष्ण के देह का अपकार होगा, कृष्ण के दोष को मिटाने के लिए यशोदा अब कृष्ण को डांटने के लिए कृष्ण के पास जा रही है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने के लिए जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण कृष्ण के दोष को दूर करना। यशोदा अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जा रही है कि कृष्ण को डांटने से फटकारने से मुझे आनंद मिलेगा, नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण के देह को सुख मिले, उसका दुख दूर हो, इसलिए जा रही है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यशोदा का स्थान गुरु का है, गुरु के लिए बहुत सुंदर उपदेश यहां प्राप्त होता है। गुरु को कभी भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य और प्रचार नहीं करना चाहिए। गुरु को मात्र जगत कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करने वाला गुरु गुरु नहीं होता है। कभी कभी गुरु प्रचार करते समय अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं, दूसरों की सेवा लेना, दूसरों से आदर सत्कार मान धन इत्यादि लेना, यह है अपनी इंद्र तृप्ति। लेकिन गुरु का कार्य मात्र जगत कल्याण, हृदय में करुणा और उस करुणा के वशीभूत होकर जगत कल्याण, इसे गुरु कहते हैं। सुध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण करते समय कहते हैं, यह स्वानुभाव अखिलम श्रुति शास्त्र में कम अध्यात्म दीप मतिति त्रिशताम तमोन्दम संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यास सुम्न मुपयामि गुरुर मुनिनाम। सुखदेव गोस्वामी संसारिणाम, संसार में रहने वाले लोगों के लिए करुण आह, सांसारिक लोगों के लिए हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। संसार के लोग इतने दुखी, संसार के दुखी जन को देखकर सुखदेव गोस्वामी के हृदय में करुणा, और उस करुणा के वशीभूत होकर संसारिणाम करुण आह, हृदय में करुणा होने के कारण सुखदेव के मुख से भागवत ग्रंथ निकला। सुखदेव ने भागवत का उपदेश दिया। गुरु का कार्य संसार के लोगों के ऊपर करुणा करना, और करुणा करके संसार के लोगों को भागवत और कृष्ण का प्रेम देना। गुरु का काम देना है, गुरु का काम लेना नहीं है। गुरु का जीवन दूसरों के लिए होता है। यहां यशोदा मैया अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण के दोष दूर हो जाए, इसलिए कृष्ण के पास जा रही है। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितेशिणी यशोदा संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। सा गृहीत्वा करे कृष्णम, यशोदा कृष्ण के पास गई और सा उस यशोदा ने कृष्ण के हाथ को गृहीत्वा, कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। तो
इस दृश्य को देख कर ऐसा लगता है कि यशोदा इतनी क्रोधित है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हितोषिणी, ये यशोदा जो है चिंता मत करो, ये यशोदा अपने पुत्र के लिए हितेशी है। वास्तव में माँ अपने बेटे के लिए सदैव हितेशी होती है। संतों का ऐसा मानना है इस पृथ्वी में इस जीव से भगवान के बाद सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला तत्व यदि कोई है तो वह है माँ। हमने भगवान को तो कभी देखा नहीं है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करेंगे या भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, परंतु आपको देखना है कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं तो आप एक माँ को देख लीजिए। माँ अपने पुत्र से जितना प्रेम करती है उतना ही प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। अहेतुकी बिना कोई स्वार्थ के माँ अपने बेटे की सेवा करती है। 9 महीने तक प्रसव की पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देने वाली माँ, पालने में अपने बेटे को सुलाकर और पूरी रात जगने वाली माँ, पुत्र के लात मारने पर भी उस अपने नन्हे पुत्र को दूध पिलाने वाली माँ, अपनी जवानी खोकर अपने पुत्र को जवानी देने वाली माँ, पुत्र के घर में देरी आने से रात दिन चिंता करने वाली माँ, पुत्र की अनेक गलतियों को माफ करके बार बार हृदय से लगाने वाली माँ, बिना किसी स्वार्थ के रात दिन सेवा करने वाली माँ और खुद भूखे रहकर अपने बेटे का भरण पोषण करने वाली माँ, ये कार्य एक माँ कर सकती है, अन्य कोई नहीं कर सकता। और बेटा जब बड़ा होकर ऐसी माँ को अपने घर से निकाल देता है और वृद्धाश्रम में भेज देता है, ऐसे पुत्र को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। शास्त्र में यहां कहते हैं हितैषिणी, मां अपने पुत्र के हितैषिणी होती है। पर आज के पुत्र भगवान के समान अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। जीवन में पुत्र का सबसे बड़ा हित कोई चाहता है तो वह है मां, और आज लोग उस मां से प्रेम नहीं करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं और खुद घर पे रहते रहते अपने पुत्रों की कंप्लेंट करते हैं कि ये हमारे पुत्र हमारी सेवा नहीं करते हैं। अरे आपके पुत्र आपकी सेवा कैसे करेंगे, आपने अपने माता पिता की सेवा की? एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, संतान थी सेवा चाहो संतान छो सेवा करो, संतान थी सेवा चो संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो नहीं, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो नहीं। आज के पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, आज की बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब उनके पुत्र उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी बहू उनको घर से निकाल देगी, क्योंकि आप जैसा करते हो भविष्य में ऐसा भरना पड़ता है, जैसी करनी वैसा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सदैव हमारे ऊपर जो उपकार करते हैं उस उपकार का बदला याद रखना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतघ्न नहीं बनना चाहिए। खैर यशोदा मैया हितैषिणी,
साग रहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितेशिणी। यशोदा कृष्ण के प्रति बहुत हितेशु थी, हित चाहती थी। यशोदा भय संदांत प्रेक्षण अक्षम अभाषय। कृष्ण ने देखा कि मैया आई और मैया ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, तो कृष्ण की जो दोनों आंखें थी वह हिलने लगी, कांपने लगी। हरीश्वरी जी कहते हैं कृष्ण की आंखें क्यों कांपने लगी? कृष्ण की आंख जो है सूर्य के समान है, और कृष्ण की आंखों में बैठने वाले सूर्य ने सोचा कि अभी मैया पूछेगी कृष्ण तूने माटी खाई, तो ये तो तुरंत बोल देंगे नहीं खाई, लेकिन हम तो सूर्य है, सूर्य वंश है। सूर्य वंश की रीति क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सूर्यवंश, सूर्यवंश में एक से एक राजा महाराजा हो गए, अपने प्राण निकल गए, परंतु अपने वचन से कभी अड़ग नहीं हुए। फिर चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा रघु हो, चाहे दशरथ हो, फिर चाहे राम क्यों न हो, एक बार मुख से वचन निकल जाता था तो वह होकर रहना था। अपने वचन पर अड़ग, और जो बोलते थे वह करके रहते थे। जीवन में कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। सूर्य की, कृष्ण की आंखों पर बैठने वाले सूर्य ने सोचा कि ये तो तुरंत बोल देंगे कि मैंने नहीं खाई, झूठ बोलेंगे, लेकिन मैं भी यदि इसका साथ दिया तो हमारी परंपरा जो चलती आई है वो परंपरा दूषित हो जाएगी। इसलिए कृष्ण की आंखों में बैठने वाले सूर्य सोचने पड़े, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसलिए प्रेक्षण अक्षम, कृष्ण की आंखें कांपने लगी। आचार्यों के कितने सुंदर भाव है, यदि आचार्य न होते तो हम भागवत को कैसे समझ पाते। तो इस प्रकार अब यशोदा कृष्ण के पास आई, और यशोदा अब कृष्ण को पूछ रही है, कस्मान मृदम अदांतात्मनम, हे अदांतात्मन, हे नटखट। अदांत आत्मन का अर्थ होता है, दांत का अर्थ होता है इंद्रिया, अदांत का अर्थ होता है जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है। यशोदा कृष्ण से कहते हैं कृष्ण तेरी इंद्रिया तेरे वश में नहीं है। अब गर्गाचार्य ने कहा था इस कृष्ण की कृपा से दुनिया के सब लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके बैठेंगे, और उस कृष्ण को यशोदा कह रही है अदांत आत्मन, हे इंद्रियों को वश में नहीं रखने वाले नटखट, क्यों तेरी इंद्रिया वश में नहीं है। यशोदा, वल्लभाचार्य जी यशोदा के भाव में कहते हैं कि इच्छया भक्षितम इति चेत, तुझे माटी खाने की इच्छा हुई, ये बात मुझे समझ में आ रही है, किसी को भी हो सकती है, संसार में गलत इच्छा सबको हो सकती है, ऐसा नहीं। कभी कभी भक्तों को भी फिल्म देखने की इच्छा हो जाती है, कभी कभी भक्तों को भी हो जाता है कि चलो वर्ल्ड कप फाइनल मैच और भारत पाकिस्तान है तो जरा देख लेते हैं। यशोदा मैया इसी बात को कह रही है वल्लभाचार्य के भाव कि इच्छया भक्षितम इति चेत, माटी खाने की इच्छा हुई तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। मन में इच्छाएं तो बहुत होती है, हमारा मन जो है इस मन में अनेकों इच्छाएं होती हैं। मन का कार्य ही है इच्छा करना। मन एक ऐसी नदी है जिसमें इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है,
जैसे गंगा नदी में नित्य निरंतर पानी बहता रहता है, वैसे मन में नित्य निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। तो मन में इच्छा हो सकती है कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन भक्तों को चाहिए स इच्छा अपकारिणी। भक्तों को बुद्धि से विचार करना चाहिए कि मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, ये इच्छा को मैं पूर्ण करूं या न करूं। अब तक जितना भी ज्ञान ग्रहण किया है, भागवत सुना, गीता सुना, ये सभी ज्ञान को रखकर ये निर्णय लेना चाहिए इस इच्छा को पूरी करूं या न करूं। और यदि वह इच्छा शास्त्र के प्रतिकूल है तो इस इच्छा को दबा देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मन में इच्छा होती है तुरंत उसे पूरी कर देते हैं, थोड़ी भी देरी नहीं करते हैं। यदि मन में अच्छी इच्छा हो तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन यदि मन में बुरी इच्छा हो तो उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे डाइवर्ट कर देना चाहिए। जैसे मन में यदि इच्छा हो कि मैं मुझे इडली सांभर खाना है, होती है, तो इस इच्छा को दबा नहीं सकते। आज नहीं खाओगे, कल नहीं खाओगे, परसों नहीं खाओगे, कितने दिन तक नहीं खाओगे, इच्छा को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन उस इच्छा को डाइवर्ट कर सकते हैं। चलो इडली सांभर खाने की इच्छा हुई है तो भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगाकर खा ले। तो मन में जब बुरी इच्छा होती है तो उसे धीरे धीरे करके डाइवर्ट कर लेना चाहिए, और मन में जब अच्छी इच्छा होती है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ये रावण का उपदेश है। रावण ने मरते मरते एक उपदेश दिया था। जब भगवान श्री रामचंद्र ने 31 बाण से रावण का वध किया और रावण धराशायी हुआ, पृथ्वी पर गिरा, रावण की सांस चल रही थी, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, लखन जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। बोले भैया ये भाभी का अपहरण किया है, दुष्ट है, पापी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कम है संत महात्मा आप इसके पास भेजते हो? नहीं नहीं लखन, ये रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, तुम जाओ और उसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। लखन की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा हुई तब जाना पड़ा। लखन गए और जैसे ही लखन रावण के पास गए, रावण ने अपना मस्तक फेर लिया, यहां से यहां कर लिया। लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते आए, भैया भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी उसके मन में अहंकार है। आप कहो तो आधा आपने मारा है, आधा मैं काम बता दूं। भगवान ने कहा जब तुम रावण के पास शिक्षा लेने के लिए गए तब कैसे गए थे? बोले कैसे गया, सीधा जैसे जाना चाहिए वैसे गया। नहीं नहीं आप तुम वहां जाकर कहां खड़े रहे? बोले उनके मुंह के पास बैठा, वो उपदेश देगा तो सुनूंगा। तब भगवान रामचंद्र ने लखन को कहा कि लखन जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसके मस्तक पे नहीं उसके चरणों में बैठना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्रता होनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। हृदय में नम्रता लेकर झुक कर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस गुरु से ज्ञान की आशा करनी चाहिए, तब जाकर वह तत्वदर्शी महात्मा तत्व का ज्ञान करेंगे और ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान राम ने सिखाया ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। लक्ष्मण गए और रावण के चरणों के पास बैठे दोनों हाथ जोड़कर, रावण प्रभु, अब तो प्रभु हो गया था क्योंकि रावण जब भूमि पर गिरा तब राम का नाम लेकर गिरा था। तो रावण प्रभु मेरे भाई ने मुझे भेजा है आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने जो ज्ञान दिया, हम लोग भी आधे रावण जैसे ही हैं, इसलिए रावण का ज्ञान बिल्कुल सेट हो सकता है।
रावण ने अंतिम समय में बहुत सुंदर उपदेश दिया, कहा लखन मेरे जीवन में बहुत कम समय बचा है और ज्यादा तो कुछ तुम्हें बोल नहीं सकता हूं, लेकिन सारे वेद वेदांत उपदेश का सार मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे जीवन का सार लखन आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। प्रथम बात यह है, दो चीज ध्यान कर सुन लो कि जब जीवन में अच्छी इच्छा प्रकट हो, मन में अच्छी इच्छा प्रकट हो, तो उस इच्छा को तुरंत पूरी कर लेना, और जब मन में बुरी इच्छा हो तो उसे धीरे धीरे करके टालते रहना। लखन मेरे मन में भी बहुत अच्छी अच्छी इच्छाएं उत्पन्न हुई थी। मेरे मन में एक दिन इच्छा हुई कि ये समुद्र को मीठा कर दूं। समुद्र सोल्टी है, खारा है, समुद्र में इतना जल है लेकिन एक ग्लास भी पी नहीं सकते। रावण ने सोचा कि समुद्र में जितना नमक है निकाल दूं और समुद्र को मीठा बना दूं ताकि सब लोग पी सके। और रावण में यह सामर्थ्य था, रावण चाहे तो समुद्र को मीठा कर सकता था, लेकिन जब उनके मन में यह विचार आया, सोचा कि बाद में अब जीवन तो बहुत बचा है, फिर कभी कर लेंगे। हम भी सोचते हैं कि माला जपना है, ये जपना है, फिर कभी, अब तो जीवन बहुत लंबा बाकी है। और कहा लखन मेरे मन में दूसरा विचार आया था कि संसार में सब लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत मेहनत और कष्ट करके स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन ऐसी सीढ़ी बनाऊं कि व्यक्ति जब चाहे तब पृथ्वी से स्वर्ग और स्वर्ग से नीचे कभी भी वहां से जा आ सके। और रावण समर्थ था, ये कर सकता था, क्योंकि चलत दशानन डोलत यवनी, रावण इतना बड़ा पराक्रमी था। गोस्वामी जी लिखते हैं रावण का अर्थ होता है रावती इति रावण, जो अपने भाई से सबको रुलाए उसे रावण कहते हैं। रावण जब अपने बिस्तर से खड़ा होता था, चलता था, ब्रह्मांड समेत यह पृथ्वी कांपने लगती थी। चलत दशानन डोलत यवनी, ये पृथ्वी कांपने लगती थी और बड़े बड़े सिंह और बड़े बड़े शेरनी के गर्भ से गर्भपात हो जाता था। बड़े बड़े खूंखार लोग भी रावण से कांपने लगते थे। समस्त देवी देवताओं को अपने वश में करके बैठा था। चाहता तो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बना सकता था, समुद्र को मिटा कर सकता था। अंतिम समय में लखन को उपदेश देते हुए रावण कहता है कि यदि ये दोनों कार्य मैंने तुरंत कर लिए होते तो आज यहां पर मुझे मरना न पड़ता। लोगों के इतने आशीर्वाद मिलते, इतनी कृपा मिलती कि आज ये मृत्यु का दिन मेरे जीवन में कभी ना आता। लेकिन अच्छा विचार जब आया तो मैंने उसे टाल दिया, और बुरा विचार जब आया तो मैंने उसे तुरंत कर दिया। जब सूर्पणखा मेरे पास आई और कहा कि दो तपस्वियों के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, शाम को 9 बजे सूर्पणखा ने बताया, 11 बजे रावण मारीच के पास पहुंचा और सुबह 6 बजे रावण पंचवटी में आ चुका था। थोड़ी भी देर नहीं, बुरा कार्य करने में मैंने थोड़ी भी देर नहीं की और अच्छे कार्य को मैं टालता गया। लखन जीवन का सार यही है, मन में विचार उठेंगे कभी अच्छे कभी बुरे, तो जब अच्छे विचार उठे तो वह कार्य को तुरंत कर लेना, और जब बुरे विचार उठे तो उस कार्य को धीरे धीरे करके टालते रहना, जीवन की दुर्गति से बच जाओ। रावण के उपदेश से एक बहुत सुंदर सूत्र तैयार हुआ। हमारे जीवन में हमें जब अच्छा विचार आए तो तुरंत कर लेना चाहिए। कल करे सो आज कर, सब लोग जानते हैं, तब तो अब शुरू कर दिया होगा ना। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। न जाने मृत्यु पल में आ जाएगी फिर कब भगवान का भजन करेगा। इसलिए अच्छे विचार जब आते हैं तो तुरंत कर लेंगे। आपके मन में भी भगवान का नाम लेने का विचार हो तो तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे ब्रज के भक्त कहते हैं ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब
काल आए और व्यक्ति को मारकर चला जाए कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रांत में जाने खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिर तातन कोमल चोट जिली न जिली, रटले अरि जीवा कृष्ण को नाम तू अंत समय पे हिली न हिली। फिर अंत समय में ये जीवा हिलेगी या नहीं हिलेगी कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब भगवान का नाम लेने का विचार आए तो आज और अभी ही भगवान का नाम ले लेना चाहिए, हरे कृष्णा। तो जब अच्छा विचार आए तो आज अभी और तुरंत, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, आज करे सो कल करे। अब आज क्या करना, कल है ना, कल करेंगे, कल करेंगे। आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, और जब कल आती है तो परसों करेंगे। आज के लोगों का सूत्र क्या है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत बरसों, ये तो बहुत बरस जीना है, जल्दी जल्दी क्या करना है। परंतु रावण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, तो बुरी इच्छा होती है तो उसे टाल देना चाहिए, अच्छी इच्छा होती है तो तुरंत करना चाहिए। ये बात कौन बता रही है, यशोदा मैया कृष्ण को, कि कृष्ण तुझे माटी खाने की इच्छा हुई तो तुझे उस इच्छा को टाल देना चाहिए था। बहुत सुंदर, सही जवाब आई है सृष्टि जी, क्योंकि नेक कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलो, आपको ईर्ष्या हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपको ये बताऊं, ये जवाब क्यों दे पाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 6 दिन से ये प्रवचन को लिखती जा रही है, लिखती जा रही है। ये बहुत बड़ा राज है, जब भी हम प्रवचन सुनते हैं तो लिखना ये बहुत बड़ा गुण है। आज मैं इस स्थान पर बैठा हूं उसके पीछे भी यही राज है। मैंने बहुत लिखा है, बहुत अनेकों किताबें भर भर के लिखा है, जितने भी प्रवचन सुनते थे हम लिखते थे वर्ड टू वर्ड, क्योंकि एक अभ्यास करने का एक सिद्धांत है कि आप यदि 100% सुनते हो तो उसमें से 60% लिख पाते हो, सब नहीं लिख पाते हो, 100% सुनते हो तो 60% लिख पाते हो, और आपने 60% लिखा उसमें से 40% आपको याद ऑटोमेटिक रह जाता है, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लिखने से इंद्रियां उसमें लग रही है, आंख उसमें लग रही है, मन भी उसमें लग रहा है, सब चीज उसमें लग रही है। तो लिखने वाला कलम से जो लिखा है वह कभी यहां से यहां आ सकता है, और जो लिखते नहीं है यहां से सीधा हाईवे भी हो सकता है, इस कान से यहां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में मैं भूला नहीं था, आप लोगों की परीक्षा ले रहा था, मुझे तो पता है वल्लभाचार्य जी इस पर टीका लिख रहे हैं। जब यशोदा जी ने कहा कि कृष्ण तुम अदांतात्मन, तुम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किए हो, अजितेंद्रिय हो, और इच्छा हो सकती है, तुम्हारे मन में इच्छा हुई तो उस इच्छा को टाल देना चाहिए, उस इच्छा को नहीं टाला और तुमने मिट्टी खा लिया नटखट, भवान मुदन मुदम कस्मत कस्मात भक्षितवान, तूने मिट्टी क्यों खाई। तो भगवान तो अभी चुप थे क्योंकि मुंह में मिट्टी थी, लेकिन चुप रह रहे कृष्ण इशारा कर रहे हैं मैंने नहीं खाई। तब यशोदा कहती है ताव का ये तेरे कह रहे हैं, मानो कृष्ण कहे कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैया तुझे किसने बताया, और मैंने मिट्टी खाई इसका प्रमाण क्या है। तब यशोदा कहती है ताव का ये तेरे मेरे पास आए हैं कि तूने मिट्टी खाई है। तब कृष्ण इशारे से कहते वो सब झूठे हैं मैया, सब झूठे। तब
यशोदा कहती ठीक है वो सब झूठे हैं, लेकिन अग्रज तेरा बड़ा भाई बलदेव वो तो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ये बल कह रहा है, बलदेव मुझे कह रहा है कि तूने माटी खाई है, ये बलदेव कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तब यशोदा कहती है सत्य सत्य बता तूने माटी खाई है कि नहीं। अब कृष्ण का मुंह अब तक बंद था क्योंकि वो माटी को लार बनाकर अंदर डाल रहे थे। लगभग सारी माटी जब अंदर चली गई तब कृष्ण बोले ना हम भक्षितवानं सर्वे मिथ्या विसंशिना। हे अम्ब, हे माँ, अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई है। बोले तो ये तेरे मित्र और सखा सब झूठ बोल रहे हैं। बोले सब लोग झूठे हैं। बोले तेरा भाई दाऊ बलदेव भी झूठा है। बोले ये वो तो नंबर वन झूठा है। अब कृष्ण ऐसी बातों में यशोदा मैया को उलझाना चाहते हैं कि ये माटी का चैप्टर ही भूल जाए। बोले मैया ये बलदेव मैया तुम जानती नहीं हो, ये दाऊ जो है बहुत झूठ बोलता है। मैया ये दाऊ कहता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। ये दाऊ अक्सर मुझे कहता है तेरे पिता गोरे और तेरी माँ गोरी, नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी और तू काला कलुटा, तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं, तुझे तो नंद और यशोदा खरीद कर लाए हैं। अब मैया तू ही सच सच बता क्या मैं। अब कृष्ण ऐसी बातें करने लगे ताकि ये यशोदा ये मिट्टी का चैप्टर ही भूल जाए। मैया तू सच बता क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, और ये लोग अक्सर मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि तू काला क्यों है काला क्यों है। मैया मैं काला नहीं हो सकता हूं, और भगवान ने मुझे काला बनाया तो मेरा क्या दोष है। ब्रज में जितने भी लोग मिलते हैं ये दाऊ मिलता है तो भी पूछता है, और वहां बरसाने में मन में कहते हैं, वहां जाता हूं तो वहां भी वो लोग कहते हैं तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों दो। बिना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों दो। काला हो कर भी जग से निराला क्यों दो। काला हो कर भी जग से निराला क्यों दो। इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। बिना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। कृष्ण को पूछते हैं कि बता तू काला क्यों है, तेरे पिता गोरे तेरी माँ गोरी लेकिन तू क्यों काला। तब कृष्ण जवाब देते हैं मैंने काली रात में जन्म लियो। मैंने काली रात में जन्म लियो और काली गाय को दूध पियो। और काली गाय को दूध पियो। देखो मैं नंद और यशोदा का पुत्र हूँ, मैं बहुत गोरा था लेकिन काली रात में जन्म हुआ और काली गाय का दूध पीता हूँ, और फिर भी मैं गोरा हूँ लेकिन मेरी कमरी जो है मैं कंधे पर काली कमरी रखता हूँ, और काली कमरी का रिफ्लेक्शन काला होता है ना, तो काली कमरी का काला रिफ्लेक्शन होने के कारण मैं काला हूँ, बाकी तो मैं बहुत गोरा हूँ। मैंने काली रात में जन्म लियो। मैंने काली रात में जन्म लियो। मैंने काली रात में जन्म लियो। मैंने काली रात में जन्म लियो और काली गाय को दूध पियो। और काली गाय को दूध पियो। और काली गाय को दूध पियो।
में जन्म लेने से, काली गाय का दूध पीने से और काली कमर रहने से थोड़ी कोई काला होता है, ये कारण नहीं है। तो सच सच बता, तू काला क्यों है? तू इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे काला, तेरा रंग काला। अब कृष्ण दूसरा बहाना देते हैं, दूसरा कारण बताते हैं। मैं काली दह में कूद पड़ो, काली दह में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ दियो, और काली नाग को नाथ दियो। मैं तो बहुत गोरा हूँ, लेकिन ये काली यमुना में गिरने के कारण काला हो गया, और इतना ही नहीं, काले कालिये नाग को नाथना पड़ा, काले कालिये नाग के साथ युद्ध करना पड़ा, इसलिए काला। मैं काली दाह में कूद पड़ो, काली दाह में कूद पड़ो, मैं काली दाह में कूद पड़ो, काली दाह में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ दियो, और काली नाग को नाथ दियो, और काली नाग को नाथ दियो, और काली नाग को नाथ दियो। हाँ, फण पे नीत दियो, इसीलिए काला हूँ, फण फण पे नीत दियो, इसलिए काला हूँ, फण फण पे नीत दियो, इसीलिए काला हूँ, फण फण पे नीत दियो, इसलिए काला हूँ। इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस। जब राधा इत्यादि गोपियों ने पूछा, कृष्ण तू काला क्यों है? बोले, मैं काला नहीं हूं, ये तेरे तू जिस मटकी का मक्खन मुझे खिलाती है वो मटकी काली है, और इतना ही नहीं, तेरा मन भी बहुत काला है और तेरी चुंदरी भी काली है, ये सब काला होने के कारण मैं काला हो गया। तेरी गोरस मटकी काली है, 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 और मन की तू अति काली है, और मन की तू अति काली, और मन की तू अति काली है, और मन की तू अति काली है, तेरी चुनरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ, तेरी चुनरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ, तेरी चुनरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ, तेरी चुनरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तू ना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे काला, तेरा रंग काला। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक कारण बताए, लेकिन अब जो कारण बताए वो वास्तविक कारण। कृष्ण कहते, सुन, मेरे काले होने का वास्तविक कारण। सखी नैनों में कजरा लगाती है, 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 और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों
सुन मेरे काले होने का वास्तविक कारण सुन। हे सखियो, तुम मुझे अपने नैनों में बसाकर रखती हो और मुझे नैनों में बसाकर अपनी आंखें बंद कर लेती हो, क्योंकि तुम्हारे आंखों में काजल का रंग काला है, इसलिए मैं काला हूं। यदि कृष्ण का जन्म कलयुग में हो जाए ना, तो ये भजन बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। तो इतना बता दे, तेरा रंग लाल क्यों है, तेरा रंग नीला क्यों है, क्योंकि आज तो सभी रंग की काजल बन गई है। और लाइनर होती है ना, कुछ लोग ब्लू रंग के, कुछ लोग लाल रंग के, लेकिन कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम लोग आंखों में काजल लगाती हो और काजल लगाकर मुझे नैनों में बसा लेती हो, इसलिए काजल का रंग काला होने के कारण मैं काला हो गया। सखी नैनों में काजल लगाती है, 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 और नैनों में मुझको बसाती 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 है। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू अपना बता दे काला, तेरा रंग काला I'm
रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है।
Hare Hare.